there might be another song. मैं बता नहीं सकता किसके साथ ये. मुझे लगता है लोगों के इतने दिल टूट रहे हैं. मुझे लग रहा है दिल जुड़ते कम है यहाँ, टूटते ज़्यादा है. I have spoken to Rajan sir and he is, I take him in great admiration. There might be another song. मैं बता नहीं सकता किसके साथ या क्या है. बता तो दिया ही ना इन्होंने. But there might be another song. A lot of news is coming. Rajan sir से हमने last time बात की कि projects कुछ होने वाले हैं, आप दोनों collaboration होने वाली शिवांगी and आपका कुछ उस project के बारे में अगर आप बता सकते हो. Yes, we I have spoken to Rajan sir and he is, I take him in great admiration and a great human being. इंशाल्लाह जिस दिन वो मुझे बोले कि बेटा रेडी है, द स्क्रिप्ट इज रेडी, लेट्स गो एंड आई विल बी राइट देयर एंड जस्ट कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस के जो भी हो वो बहुत लोगों को पसंद आए. बिकॉज फॉर मी द डे राजन सर कॉल्स मी एंड टेल्स मी कि भाई ये रेडी है, ही हैज टोल्ड मी द स्टोरी. एक ऊपर से एक स्टोरी बताई है जो मैं रिवील नहीं कर सकता. मैं नहीं बता सकता है, एक स्टोरी लाइन है उनके दिमाग में. पर वो क्या टर्न अप होता है, वो क्या किस तरह स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो कब होता है, ये मुझे नहीं पता. तो इंशाल्लाह जब भी होगा आई विल वेट. वी विल कम बैक टू जा रहे हो नाउ एंड आई वांट हिम टू आस्क, क्योंकि कब से कुछ पूछना चाह रहे हैं और आप उन्हें पूछने नहीं दे रहे हैं. अच्छा, आप मुझसे ही पूछना चाह रहे हैं. जानना चाहूंगा कि आपके जो भी गाने हैं जिसमें आप कभी लड़का आपका दिल तोड़ता है, कभी आप दिल तोड़ देते हो. मैं कभी नहीं, पहली बार ही तोड़ रही हूं गाने. डू यू थिंक दिस इज काइंड ऑफ मेकिंग ट्रेंड इन योर सॉन्ग? आई थिंक मुझे लगता है लोगों के इतने दिल टूट रहे हैं, मुझे लग रहा है दिल जुड़ते कम है यहाँ, टूटते ज़्यादा है. एंड मैं डेफिनेटली ये बोल सकती हूँ. तो मुझे लगता है इसीलिए ऐसे सॉन्ग्स चलते हैं. एंड मुझे लगता है दिल टूटते रहे और सॉन्ग्स हैव बीन सिंस 30s 40s. मुझे लगता है ऐसे आजकल ये सॉन्ग ज्यादा चल रहे हैं और इसलिए आई फील जहाँ बेवफाइयाँ होती है, प्यार होता है, टकरार होती है सॉन्ग्स, सो लोग कनेक्ट कर पाते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जा रहे हो से इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं. आई होप इंशाल्लाह और कनेक्ट. अगर आपको किसी को अगर डेडिकेट करना रहेगा ये सॉन्ग तो किसको करोगे? सी अभी तो फिलहाल मैं नहीं करूँगी, इनके साथ शूट किया है ये सॉन्ग. मैं पूरा ऑब्वियसली मैं पूरा 100% ये सॉन्ग इन्हीं को. सी आई एम प्लेइंग द राइटर्स वाइल डेडिकेटेड टू कुणाल साहब. आई टोल्ड हिम आई माइट बी प्लेइंग हिम इन द सॉन्ग बिकॉज़ ही वाज राइट देयर. सो सॉरी मैं थोड़ा सा गला सूख रहा हूं इसलिए मैं तो आई वुड डेडिकेट इट टू हमारे राइटर साहब कुणाल साहब बिकॉज़ आई एम प्लेइंग अ राइटर इन द सॉन्ग. और यार हमें तो बुलाया नहीं तो हम क्या एक्साइटमेंट दिखाएं. पर वी आर वेरी हैप्पी दैट बिकॉज़ दे वन ऑफ द बेस्ट कपल एंड बहुत ही खूबसूरत हैं. सो गॉड ब्लेस देम एज अ कपल इंडिविजुअल एंड एज टुगेदर. गॉड ब्लेस देम. अगर आपको चांस मिले, रिमास्टर का फर्स्ट लुक तो ब्यूटीफुल है, लुक सो गुड टुगेदर. अगर आपको चांस मिला तो आप किसके तरफ से होंगे, लड़के वालों की तरफ से या फिर लड़की वालों? हम वो पार्टी हैं जो दोनों की तरफ से खाना खा के आते हैं, तो हम साइंस की तरफ जाएंगे. हम बीच में से जाएंगे और मीडिया वालों की तरह जो दोनों तरफ से आते हैं वैसे जाऊंगी मैं. ओके, सो लास्टली व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोर एज यू सेड द होल एक्टिंग पार्ट एंड इंशाल्लाह आई रियली होप पीपल कनेक्ट विद दैट पार्ट. एंड यस दिस सॉन्ग इज ब्यूटीफुल, आप रेडियो पर भी सुनेंगे, उसका ऑडियो बहुत प्यारा है. वी जस्ट होप लोगों को उतना ही पसंद आया जितना हमें पहली बार सुनकर पसंद आया था और वो ऐसे ही कनेक्ट करे इस गाने को और बार बार सुने और उसके व्यूज बढ़े. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू एंड जा रहे हो फॉर यू. थैंक यू थैंक यू लव यू ऑल, बाय गाइज.